बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद और मैं हाजिर हूं अहमद क्रिएशन चैनल की तरफ से। दोस्तों आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं सिर्फ एक बात बताने के लिए। वो बात यह है कि मेरे ख्याल में यूट्यूब ने अब तकरीबन हर नए आने वाले यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दी है। वो इस तरह के अब वो किसी भी न्यू चैनल के ऊपर कोई भी एड मोनिटाइज नहीं कर रहा, उस चैनल को मोनेटाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे, चाहे उसके व्यू कितने भी हैं, उसकी वीडियोस कितनी भी हैं, उसका ओरिजिनल कंटेंट कितना भी है, जो कुछ भी उसकी मेहनत है ये सारी यूट्यूब ने पकड़ के बिल्कुल जीरो कर दी है। मैं बहुत ही डिसहार्ड हुआ हूँ क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि ये देखें, आप ऊपर देख रहे होंगे इन्होंने मेरे इस चैनल को भी अप्रूव नहीं किया, इसलिए मैं आज मजबूर हो गया हूँ कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना के आप उन सब दोस्तों को बता सकूं जो ये सोच रहे थे कि अब वो अपना कैरियर जो है एज ए यूट्यूबर जो है वो बना सकते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप यूट्यूब के ऊपर एक साल काम भी करने के बाद आपको पता चले कि आपका चैनल अप्रूव नहीं हुआ, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? दोस्तों ये मेरा पहला चैनल नहीं है, ये मेरे इन्होंने तीन चैनलों को रिजेक्ट किया है और तीनों चैनलों पे इन्होंने एक ही मैसेज दिया है, ना ईमेल किया ना मुझे कुछ भी किया, और सिर्फ ऊपर ये लिखा आता है कि अनफॉर्चुनेटली चैनल वाज नॉट अप्रूव्ड फॉर मोनेटाइजेशन। तो दोस्तों उससे मुझे अब ये बिल्कुल यकीन हो चुका है कि इन लोगों ने जो नए आने वाले यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दिया है, क्योंकि इनके जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा सख्त से सख्त होती जा रही है और ये चाह रहे हैं कि अब YouTube के ऊपर ज़्यादा यूट्यूबर्स ना आए। तो मैं सिर्फ आपको यही बताने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ कि अगर आप लोग इसको एज ए प्रोफेशनल अब ना बनने की कोशिश करें, इसको सिर्फ पार्ट टाइम अपने लिए रखें, क्योंकि मैं भी इसको अभी पार्ट टाइम अब एज ए पार्ट टाइम ही लूँगा, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत इस चैनल के ऊपर की है शायद अगर किसी और काम में की होती तो आज मैं उसमें कामयाब हो गया होता। तो दोस्तों YouTube ने मेरा तो दिल तोड़ दिया हुआ है क्योंकि इन्होंने तीन चैनल मेरे एक ही महीने में मुझे अप्रूव किए हैं, जिसकी वजह से अब मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा इसके ऊपर काम करने को। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्यों ना आप दोस्तों को भी इस बात के बारे में बता दूं कि YouTube अब जो है वो आपको जो है आपका कैरियर नहीं बनने देगा, बहुत मुश्किल इसने कर दिया है। शायद किसी की किस्मत अच्छी हो तो उनका वो एड ओपन भी कर दें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी के साथ कोई वो रियायत करने वाले हैं। इसका एक मैं आपको और मिसाल बताता चलूं, एक जो जैसे मैं पहले आपको ये सोशल ब्लेड पे दिखा दूं, आप देख रहे हैं कि ये मेरा सारा डिटेल आ रही है मेरी, अगर मैं वो दिखा रहा है कि मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ महीने के, तो $94 तक इनके मुताबिक मैं कमा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मसला ये है कि एक चैनल और है ऐसा जिसका नाम है बीबी टीवी। ये बीबी टीवी असल में जो यूट्यूब का पार्टनर है, ये मेरा एक पहले चैनल होता था जो आप मेरी गलती की वजह से बंद हो गया, मैं इनके साथ उस चैनल पे पार्टनर था इनका, उसके थ्रू मैं पैसे कमाता था। इन्होंने उस टाइम मेरे कोई इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने जस्ट इस पे अप्लाई किया तो इन्होंने मेरी पार्टनर शिप को कबूल कर लिया और मेरे चैनल को मोनेटाइज करके वहाँ पे ऐड लगाना शुरू कर दिए। लेकिन अब मैंने आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जैसे ही मैं अब इनके साथ दोबारा पार्टनरशिप करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें ये क्या मैसेज देते हैं, ये मेरे किसी भी चैनल को अब जो है वो पार्टनर अपनी पार्टनरशिप में नहीं लेके आ रहे। उसकी वजह यह है कि जब भी मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखें ये कहते हैं जी आपके चैनल के ऊपर 5 लाख व्यू मंथली होने चाहिए। ये 5 लाख व्यू अगर मंथली होंगे तो फिर ही आपका चैनल जो है वो इनका पार्टनर बन सकता है। तो मैंने जो पूरा इनकी पास से आइडिया लगाया है, तो दोस्तों क्योंकि 4000 वॉच टाइम भी हम मैंने पूरा कर लिया था, 1000 सब्सक्राइबर भी मेरे तीनों चैनल पे पूरे हैं और जो वॉच टाइम है मेरा वो डबल है, लेकिन सिर्फ व्यूज मेरे इतने नहीं है, व्यू मेरे कम है, जिसकी वजह से इन्होंने मेरे चैनल को जो है वो अप्रूव नहीं किया। तो मुझे अब समझ आ गई है कि YouTube उस वक्त तक अप्रूव अब नहीं करने वाला जब तक आपके
5 लाख व्यू मंथली नहीं होंगे, आप भूल जाएं 4000 वाच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, आप अब इस पे फोकस करें, ये 5 लाख व्यू मंथली होंगे तो आपका जो है वो चैनल अप्रूव्ड होगा, वरना नहीं। अगर आप समझते हैं कि आप 5 लाख व्यू अपने चैनल के ऊपर मंथली लेके आ सकते हैं, तो फिर दोस्तों आप अपने यूट्यूब के ऊपर मेहनत करने, अगर आप नए हैं तो मेहनत करें, वरना अगर आप समझते हैं कि आप इतने व्यू लेके नहीं आ सकते तो आप बिल्कुल भी इसकी तरफ ना आए। मैं आपको समझ लें कि बुरादराना मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने तीनों चैनलों पे, दिन रात लगा के अपनी नींदें खराब करके मैंने इस चैनल को मेहनत करता रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब ने बिल्कुल भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे तीनों चैनलों को अप्रूव नहीं किया, और तीनों चैनल जो है उनकी जो उन्होंने अपने यूट्यूब के ऊपर रिक्वायरमेंट रखी है उसके मुताबिक मेरे वो बिल्कुल उनके रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं, बाकी अब आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहते हैं कि आप बाद में मेरी तरह अगर पछताना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब पे बैठ के मेहनत करते रहें, क्योंकि मैंने अपना सारा टाइम अपना 1 साल यहाँ पे बर्बाद कर दिया, जिसकी अब मुझे अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। तो दोस्तों मैं तो अब यूट्यूब के ऊपर बहुत कम यूज़ करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर अब अपना कोई कैरियर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस पर कम तवज्जो दें और अपने किसी प्रोफेशनल काम की तरफ तवज्जो दें, ताकि आपका जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो सके। तो दोस्तों मैंने और भी वीडियोस ऐसी बनाई हुई हैं जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, आप वो मेरी वीडियो देख के आप भी अपना काम स्टार्ट करें, मैं भी इंशाल्लाह कर रहा हूँ, मैं साथ जो भी कर रहा हूँ, तो मैंने बस मेरा मकसद आज यही था। तो दोस्तों अगर मेरा दिल किया तो मैं फिर और वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, तो बस मैं आपको आज यही बताने आया था। तो दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिए, अगर मेरा हिम्मत हुई तो मैं आगे एक और वीडियो और बनाता रहूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।